शिव के लिए माई क्या लाई है? टॉय लाई है? वेलकम शिव। शिव इसमें खाना बनाएगी, फिर किसको खिलाएगी? हाँ, माई को खिलाएगी, भाइयों को खिलाएगी। हाँ चलो चलो ऊपर चलो, चलो बेड ऊपर आ जाओ। हंग्री क्या खाना है बोलो शेयू को। बोलो मैगी बना दो। शेयू माई रोटी खाएगी, रोटी बना दो माई के लिए। इसमें इसमें रोटी बना दो, रोटी बना दो। हाँ ऐसे बेल दो। हाँ वेरी गुड, हाँ वेरी गुड। क्या लगा? शेव माई के साथ दुबई जाएगी। चलो चलो बेबो सिम्बा पासी है ना, आई को दिखा दो। किसकी माई है? श्रेया का माई। न्यू ड्रेस पहना है शिव ने। वाओ शिव तो गुड़िया है। लिपस्टिक लगा लिया माई ने भी लिपस्टिक लगाया है, श्रेया भी लिपस्टिक लगाई है। लिप बम ओ फिक्स करेंगे। अच्छा सो गाइस आज हम लोग निकल रहे हैं यहाँ से, शाम की फ्लाइट है हमारी, 6:30 बजे की फ्लाइट है। पापा मम्मी और मेरी मम्मी की 5:30 बजे की फ्लाइट है, तो एक साथ ही निकल जाएंगे हम लोग। तो आज शीला दीदी के घर पे लंच है, तो उनके घर पे जा रहे हैं, वहीं पे खा के फिर फटाफट कैब बुला के सामान उतार के बस चलेंगे, क्योंकि हमें 3 घंटे पहले पहुंचना है, उनको 2 घंटे पहले पहुंचना है। तो एक साथ 2 गाड़ी निकाल बुला के चले जाएंगे ना, तो हो जाएगा फिर। वो बोला वायु खाना खा के आओ। जीत आ गए एग्जाम से पास होके। हाँ सुनो पास। पप्पू पास है एंड आज रथ यात्रा भी है। आप सबको रथ यात्रा की बहुत बहुत शुभकामनाएं। तो यहाँ पे खाना बन के रेडी है, मुझ पुलाव बनाया है, इसमें क्या है आलू रायता। चल मैं पहले हनी बनी को खिला देती हूँ। आज रथ यात्रा है, हमें एक्चुअली पता नहीं था कि 7 तारीख को रथ यात्रा है। हमारा टिकट तो बहुत पहले से हो रखा था, बाद में पता चला कि 7 तारीख को रथ यात्रा है। वरना हम लोग इंडिया में देखते हुए जा रहे हैं ना, रथ नहीं वरना हम लोग रुक जाते, नेक्स्ट डे जाते हैं ना फिर 8 तारीख को। चलो भाई जय श्री राम, जय जगन्नाथ। मम्मी जा रही है ससुराल शादी के बाद, ससुराल जा रहे हैं शादी के बाद। मम्मी शादी हो गई ना, ससुराल जा रहे हैं गाँव। विदाई हो रही है अभी, अभी विदाई हो रही है। बाय बाय भाइयों, बाय बाय। हगी कर दो शेयू को, हगी कर दो, हगी कर दो, किसी कर दो। एक और भाई रह गया, बोला एडवांस। उसको डर लग रहा है कि उसको डर लग रहा है कि मैं मुझे मैं कहीं लेके ना चली जाऊं।
ट्रांसपोर्ट लगेज हमारा ज़्यादा था, सबका मतलब 7 लोग हम टोटल हो गए ना, लगेज हमारा ज़्यादा था। और मना भाई आदि भी नहीं है, वो लोग मंदिर गए क्योंकि आज रथ यात्रा है, तो मना भाई वहाँ पे बोर्ड मेंबर में है तो उनका वहाँ रहना ज़रूरी था। आदि भी उधर गया है तो अच्छा हुआ, वो जो टैक्सी वाले आए थे उन्होंने थोड़ी सी हेल्प करी, क्योंकि वो सेकंड फ्लोर से सामान इतना सारा निकाल के लाना नीचे तक, तो जैसे तैसे हो गए, अभी पहुँच गए हैं यहाँ से, बस चेक इन करेंगे। पापा मम्मी और मेरी मम्मी जाएंगे भुवनेश्वर, एंड कल वहाँ से भुवनेश्वर से पापा मम्मी चले जाएंगे गाँव, गाँव में हमारी शादी है, मेरे और एक चाचा ससुर है उनकी बेटी की शादी है, तो वो लोग उधर जा रहे हैं, मम्मी उधर रह जाएगी और हम लोग जाएंगे दुबई, क्योंकि जीत का उधर काम भी है, बच्चों का भी ट्यूशन वगैरह है। और हम लोग बस आए थे उनकी 50th मैरिज एनिवर्सरी के लिए एंड उनको बद्रीनाथ दर्शन कराने के लिए, ऊपर वाले की कृपा से सब कुछ अच्छे से हो गया, बस अच्छे से हम लोग घर पहुँच जाए, सिम्बा बेबो को देखें। Yeah, I, Papa, Mommy going in one flight and we four will go in one flight. They all will go to Bhubaneswar. Yeah, Air Arabia, we are also going Sharjah. तो जीत गए हैं, उन लोगों का चेक इन करा देंगे, फिर वो लोग उधर थोड़ी देर खड़े रहेंगे तो हम लोग अपना चेक इन कराएंगे, फिर वो तो उधर चले जाएंगे, हमारा तो उधर इमिग्रेशन वगैरह होगा, फिर हम लोग फिर अलग हो जाएंगे। तो बस इंडिया टूर इस टाइम का हो गया, जल्दी 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 में कब से सोच रहे थे आएंगे आएंगे, ये सब फंक्शन होगा होगा एंड सब कुछ फंक्शन होके बद्रीनाथ धाम दर्शन ट्रिप वगैरह सब कुछ होके हो भी गया, पता भी नहीं चला इतनी जल्दी टाइम निकल गया हमारा। फिर 3 पापा पापा नाम कर दो। सुबह आ गए हम लोग गेट पे, बहुत टाइम लग गया, बहुत दिक्कत हुआ, एक तो हमारा बैगेज 2-3 किलो ज़्यादा था, उसको पहले निकाल के कैबिन उसमें डाला, फिर सिक्योरिटी चेकिंग में हमारा क्या हुआ है, गलती से हम लोगों ने ना मूर्ति का सामान जो हमने हाथ में कैरी किया है ना, क्योंकि मूर्ति टूटने का डर था तो हमने हाथ में कैरी किया, तो उसमें गलती से हमने ना हरिद्वार से सबके लिए त्रिशूल लिया था, जो शिव जी का त्रिशूल होता है ना ये साइज का हमने लिया था, वो पीतल का त्रिशूल सबके हमारे फ्रेंड्स के लिए हमारे घर के लिए वो लिया था, वो गलती से हमारा कैबिन बैगेज में रह गया, तो वो सिक्योरिटी में वो कुछ भी ऐसे शार्प चीज़ें अलाउ नहीं करते तो उन्होंने अलाउ नहीं किया, तो पूरा का पूरा त्रिशूल जो हमने पूरा जितने में 5 त्रिशूल हमने खरीदे थे वो सारा फेंका गया, इतना बुरा लग रहा ना। जो भी हो अभी मतलब पूरा भाग रहे हैं तब से, दिल्ली एयरपोर्ट भी इतना बड़ा है हमारा, मतलब वो वहाँ से हमने लगेज कम किया तो यहाँ पे ज़्यादा बढ़ गया, तो वो सारा कैरी करके आते आते फाइनली हम लोग पहुँच गए, मतलब अच्छे से पापा मम्मी से दोनों मम्मियों से तो मुलाकात भी नहीं हो पाई क्योंकि हम लोग फटाफट बहुत ज़्यादा रश था, तो आके हम लोग फटाफट इमिग्रेशन में आ गए, तो वहाँ बस पापा वापस पापा आए थे क्योंकि मम्मी का सिम इनके फ़ोन में रह गया था, तो पापा से बस मिलना हुआ, बाकी दोनों मम्मी से तो मिलना भी नहीं हुआ, वो लोग फ्लाइट में बैठ गए होंगे, मतलब उनका फ़्लाइट तो टेक ऑफ भी कर चुका होगा, हमारा बस टेक ऑफ कर रहा है, करने वाला, हम लोग फ्लाइट में जाने वाले हैं। Thank you.
फाइनली 15-17 दिन के बाद बैक टू होम। हम लोग शारजा से गए थे तो शारजा से ही वापस आए हैं पहली बार। तो भाई भाभी आए हैं लेने के लिए। Who will come out now? किसकर मुकुजी लो कितने किसकर मुकुजी आधाना चिबुना बेबो कर किसकर मुकुजी Simba also finished. सो गाइस आ गए घर वापस एंड यहाँ पे भाभी ने बनाया चावल दालमा आलू चोखा दही बैगन साग। तो हम लोगों ने नहीं खाया है बट भाई का कल ऑफिस है तो मैंने बोला कि भाई मतलब भाई भाभी आप लोग खा के चले जाओ। वो अपने घर चले गए हैं उन्होंने भी पैकिंग कर लिया वो चले गए अपने घर क्योंकि लेट हो गया काफ़ी 12 बज गए हैं। तो वो लोग अभी घर गए हनी पनी अभी खाना खाएंगे। मैं जीत का वेट करूंगी। जीत एक्चुअली गए हैं वो आते के साथ ही बस घर पे सामान ड्रॉप करके वो चले गए थे उनका एक मीटिंग था कुछ काम था तो वो चले गए हैं। तो जीत आएंगे तो देखती हूँ। मेरा बिल्कुल भी मन नहीं है खाने का क्योंकि फ्लाइट में खा लिया था ना थोड़ा अजीब सा लग रहा है। तो होगा तो खाएंगे वरना नहीं ये रख दूँगी फिर मैं कल खा लूँगी क्योंकि कल मेरा सारा अनपैकिंग रहेगा बहुत सारा सामान है सारा अनपैकिंग करूँगी तो ये खाना रख दूँगी क्योंकि बहुत ज़्यादा बनाया उन्होंने। तो चलिए गाइस मिलती हूँ मैं फिर आपसे नेक्स्ट वाले ब्लॉग में। तब तक के लिए बाय बाय टेक केयर लॉट्स ऑफ लव डू से बाय बाय जय जगन्नाथ। यहाँ पे देख लीजिए हमारा मंदिर अभी मंदिर भी चेंज हो जाएगा मूर्तियाँ सारी आ गई हैं तो मंदिर भी मैं चेंज करूँगी सारा अनपैकिंग पहले करूँगी देन ये इस वाले घर में सारा सामान रखा है यहाँ पे सारा सामान रखा है तो कल सारा अनपैकिंग करूँगी देन मंदिर सेट करूँगी।